कैपेसिटर टुडे इज द लास्ट क्लास। जितने भी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर थे वो हमने खत्म कर दिए। देन वी सॉ लाइक हाउ कैपेसिटर वर्क्स विथ एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ओके, उसके ऊपर भी हमने लास्ट क्लास जो है इक्वेशन भी फॉर्म किया और क्वेश्चन भी किए। सो इन टुडेज क्लास वी विल बी डूइंग द टॉपिक दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, राइट। सो आज का टॉपिक क्या होने वाला है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, नाउ यू ऑलरेडी नो कि आपने कॉम्बिनेशंस तो पहले ही पढ़ रखे हैं आपके लोअर क्लासेस में। क्लास 9 से पढ़ना शुरू किया था कॉम्बिनेशन को, बट वहां पे हमने कॉम्बिनेशन किए थे किसके? रेजिस्टेंस के। किस कॉम्बिनेशन किए थे? ओके, देयर वी हैव स्टडीड रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। अगर एक शॉर्ट रिव्यू दूं उसका, तो जब हमने कोई भी रेजिस्टेंस को कुछ अगर इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है विद अ बैटरी, सो वी से दैट दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। और अगर ऐसे ही इट कैन, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको दो ही लेना है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहां पे लेट्स से ये रेजिस्टेंस आर वन है, ये आर टू है, ये आर वन है, ये बैटरी है। तो यहां पे जो मेरा टोटल रेजिस्टेंस था, आर एस इज वॉट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। तो जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होता था वो कितना होता था? आर वन प्लस, एंड इन दिस केस वन अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। देयर फोर आर पी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाता था? आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस, जो इसको आप सॉल्व करके इंडो डेंडो कर दोगे तब, ठीक है। सो ये मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलो या टोटल रेजिस्टेंस बोलो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये दो फॉर्मूले जो है हमें बन करके मिलते थे, जिससे व्हाट वी कैन फाइंड टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। हमें इससे ये बात पता चलती थी इन कॉम्बिनेशन से, जब मैं रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाता था तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता था वो एडअप हो जाता था, जिसकी वजह से सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ता था। और अगर मैंने यही दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता था वो डिक्रीज हो जाता था। अगर आप इसको कोई वैल्यू रख के सॉल्व करो तो यू विल कम टू सी। मान लो मैंने बोला ये 2 ओम है, ये भी, और ये भी 2 ओम है, और ये भी, अगर ये 2 2 ओम के हैं तो यहां पे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4। यहां पे टोटल कितना हो जाएगा आरपी? तो 2 2 जा 4 अपॉन 2 प्लस 2 4, तो यहां पे टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? नाउ सी द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इवन लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो एक अकेला रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 2 है, पर जो टोटल है उसकी वैल्यू तो 2 से भी कम है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता था और उसकी वजह से करंट बढ़ जाता था, है ना। तो इसमें रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा और करंट, और यहां पे आप देखो टोटल रेजिस्टेंस जो मिल रहा है वो इंडिविजुअल से भी ग्रेटर है। तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस? करंट डिक्रीजेस क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज। अच्छा, ये तो कॉम्बिनेशन कैसे होता था वो हमने देखा। नाउ इन द सेम वे, जैसे हमने दो रेजिस्टर लगाए हैं उसी की तरह वी विल कनेक्ट टू कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। 2 लो लो या 3 ले लो, राइट, लगा करके हम देखेंगे कि हमें जो है क्या आउटपुट आता है, और उसके ऊपर एक इन जनरल जो है क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है इसी के ऊपर होने वाला है, कैपेसिटर्स इन पैरेलल एंड सीरीज। ओके, तो चलो उनको कनेक्ट करते हैं, कॉम्बिनेशंस देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द सीरीज कॉम्बिनेशन, कौन सा देखते हैं? सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, फर्स्ट हम लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होगा हमारा? नाउ सी, ये एक कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो। तीन कैपेसिटर हमने लगा दिए, एक बैटरी कनेक्ट कर दी। हमेशा याद रखो
दोनों टर्मिनल अगर सेम साइज के हैं तो कैपेसिटर है, एक बड़ा एक छोटा है तो वो बैटरी है, ठीक है। दिस इज माई कैपेसिटर C1, C2 एंड तीन कैपेसिटर लगाए, C1, C2, C3 क्यों लिखा, तीनों अलग भी हो सकते हैं सेम भी हो सकते हैं, राइट। तो तीन कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए, ओके। आफ्टर कनेक्टिंग थ्री कैपेसिटर विथ अ बैटरी, आप एक चीज देखोगे, अगर मैंने इसे पॉइंट ए चूज किया, इसे पॉइंट बी चूज किया, सो पॉइंट ए इज एट हायर पोटेंशियल, बी इज एट करंट फ्लो होने का एक ही तरीका है ए टू बी, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो ए से बी की तरफ फ्लो होगा। करंट को फ्लो होने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ए टू बी एक ही रास्ता है। सो थ्रू आउट दिस सर्किट ए टू बी करंट रिमेन कॉन्स्टेंट, और अगर करंट कॉन्स्टेंट है तो हर एक कैपेसिटर पे सेम चार्ज डेवलप होगा, हर एक कैपेसिटर के प्लेट पे जो चार्ज डेवलप होगा वो क्या होगा, सेम। सेम। तो अगर यहाँ पे क्यू चार्ज डेवलप हो रहा है तो इस पे भी क्यू, इस पे भी क्यू, तो देखो कैसे होगा। चलो मान लो ये प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये वाला नेगेटिव से, तो यहाँ पे हो गया मान लो प्लस क्यू, यहाँ पे हो गया, यहाँ पर भी प्लस क्यू, यहाँ पे इधर भी प्लस क्यू, इधर पे इस तरीके से सब पे सेम चार्ज डेवलप होगा बिकॉज सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू द लाइक पॉइंट ए टू बी, ओके। बट व्हाट अबाउट द पोटेंशियल ड्रॉप, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि हमें पता है जब भी करंट फ्लो होता है और बीच में कोई भी डिवाइस आती है, सो बिकॉज ऑफ उस, देखो कोई भी डिवाइस है, हर डिवाइस का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, बराबर। पर आपको एक बात यहां पे याद रखनी है कि जो कैपेसिटर्स होते हैं इनका रेजिस्टेंस नहीं, इनके पास रिएक्टेंट होता है। अब इस चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे EMI चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, जिसमें हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंट में फर्क क्या होता है। फिलहाल आपको मैं इतना बता देता हूँ, ऐसे डिवाइसेस जिनको सर्किट में कनेक्ट करने से जिनकी वजह से पावर लॉस हो, क्या हो, तो वो रेजिस्टेंस देते हैं, और जिनकी वजह से पावर लॉस नहीं होता है, राइट, वो इम्पीडेंस देते हैं। तो ये थोड़ा सा एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, पर इनको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं उसी चैप्टर में उसको लूंगा, अभी फिलहाल के लिए जो है इतना अंडरस्टैंड करो। तो हर एक के अक्रॉस जो पोटेंशियल, तो मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ जो जो अभी हम बोलते गए। पहला स्टेटमेंट क्या था कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो है सेम चार्ज डेवलप होगा। सो लेट क्यू बी दी चार्ज डेवलप्ड अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अभी हर कैपेसिटर के अक्रॉस, सिंस कोई भी डिवाइस अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, याद रखो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहां पे हर एक के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट, दैट इज V1, V2 एंड V3। अच्छा, टोटल जो पोटेंशियल है वो क्या है सर्किट का, V है जो बैटरी दे रहा है, बराबर। और हमेशा याद रखना जो टोटल पोटेंशियल होता है किसी भी सर्किट में जो दिया जाता है वो हमेशा इक्वल होता है पोटेंशियल ड्रॉप इन दी सर्किट। ये हमने क्लास 11 चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट में ही पढ़ रखा है। जो टोटल पोटेंशियल हम देते हैं, राइट, वो हमेशा इक्वल होता है टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन द सर्किट। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन द सर्किट कितना है, V1, V2, V3, इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। तो जब सबको ऐड कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। सो टोटल पोटेंशियल जो बैटरी ने दिया वो हमेशा इक्वल होगा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन द सर्किट। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन द सर्किट V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, यू नो दैट इन बाय द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, सिंस सी इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी, सिंस क्यू सी सिंस सी इज इक्वल टू क्या था, क्यू बाय वी था। तो अगर मुझे V पता करना है तो V को इधर लाऊंगा तो C को इधर लेके जाऊंगा, तो मुझे इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, V इज इक्वल्स टू क्यू बाय सी,
तो अगर ये मैंने टोटल पोटेंशियल माना, राइट, टोटल पोटेंशियल इस पूरे सर्किट का, तो ये मेरा चार्ज डेवलप हो रहा है जो हर एक कैपेसिटर पे है, तो दिस बिकम द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, दिस बिकम द, और अगर मैंने इसको वी वन माना तो ये सी वन हो जाएगा। अगर वी वन मतलब अगर मैं सी वन कैपेसिटर पे पता कर रहा हूँ कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो सी वन कैपेसिटर पे वी वन पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बराबर। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आई कैन राइट वी वन इज इक्वल्स टू, अच्छा क्यू वन लिखेंगे क्या, क्योंकि क्यू सब पे सेम है, तो वी वन इज इक्वल टू क्यू बाई सी वन। दूसरा वी टू इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी टू, एंड वी थ्री इज इक्वल्स टू क्यू बाई, अभी ये जो वैल्यूज है इसको इस ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दो, लेट्स से इक्वेशन वन है, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन इक्वेशन वन, सो क्या मिल जाएगा आपको, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ वी वन वी टू एंड वी थ्री इन इक्वेशन वन, सो v इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, वी की जगह पे लिखोगे q बाय टोटल c, q बाय सी वन प्लस q बाय सी टू प्लस q बाय q कॉमन ले लो तो q बाहर आ गया, वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन, अच्छा ये जो मेरा होगा ये सी एस होगा, सी एस क्या होगा टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज, सी एस क्या होगा टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज, तो ये क्यू और ये क्यू कैंसिल होगा, तो मुझे मिला वन अपॉन सी एस इज इक्वल्स टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री, सो दिस इज माई टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर यही आपको याद होगा रेजिस्टेंस के केस में, तो रेजिस्टेंस में ये जो फॉर्मूला था सीरीज में वो उल्टा था, आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, अभी लिखा था ना आर वन प्लस आर टू, रेसिप्रोकल में ऐड नहीं हो रहे थे, डायरेक्ट ऐड हो रहे थे, अभी इसमें कैसे ऐड हो रहे हैं, खाली आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया किसके लिए, दूसरा मैं पैरेलल के लिए भी कर देता हूँ यहीं पे स्टार्ट। सेकेंड हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जो है कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे पैरेलली, ओके ये कैपेसिटर है C1, C2 और C3, दिस इज माय बैटरी प्लस एंड माइनस। अभी कैपेसिटर्स को जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन दोगे, सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अगेन ये बैटरी है, यहां से हमारा करंट फ्लो होगा, इस पॉइंट को फिर से A मान लो, इस पॉइंट को आप B मान लो, सो A से B करंट जाएगा, बट जब करंट A से पास होगा, ये कौन सा करंट है, नॉर्मल हमारा बैटरी से जो आया हुआ करंट है, कन्वेंशनल करंट, ठीक है, कौन सा करंट होता है ये पता है ना सभी को, देर आर टू करंट्स, एक होता है करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक होता है करंट ड्यू टू ऑपोजिट फ्लो, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं कन्वेंशनल करंट उसके, जो कि पॉजिटिव से कहां पे होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव से इसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, तो ये हमारा कन्वेंशनल करंट है सारा। अभी ये हमारा जो करंट फ्लो हुआ यहां से, आप नोटिस करिएगा तो यहाँ पे करंट को तीन रास्ते हैं, एक ऊपर से जाने के लिए, एक सीधा जाने के लिए और एक नीचे से जाने के लिए, और ऑब्वियसली वो जाएगा भी क्योंकि तीन रास्ते हैं। तो अगर करंट हर जगह से जाएगा तो हर जगह पे हर कैपेसिटर पे चार्ज अलग डेवलप होगा, अब हर कैपेसिटर पे चार्ज क्योंकि हर कैपेसिटर को अलग करंट मिल रहा है। सो लेट से मैंने कहा कि यहाँ पे जो चार्ज डेवलप हो गया वो Q1 हो गया, यहाँ पे Q2 हो गया, यहाँ पे, तो तीनों कैपेसिटर पे अलग अलग चार्ज डेवलप हो गए, बट व्हाट अबाउट दी पोटेंशियल ड्रॉप, जैसे यहां पे मैंने कहा था पोटेंशियल ड्रॉप सब पे अलग अलग है, पर इस केस में आपको ये बात पता होगी कि अगर हम कोई भी चीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं जो हमारा टोटल पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है। आपने याद है, अच्छा आपने अभी नहीं किया है, आपको कैपेसिटर बोल रहा हूँ, सेमीकंडक्टर में टॉपिक आएगा जीनर डायोड करके, बाय द वे जीनर डायोड को हम यूज ही करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर,
मतलब ज़ीनोडायोड का काम होता है पोटेंशियल कांस्टेंट रखना, क्या रखना, कितना भी करंट होने दो, करंट बढ़ने दो करंट, तो वो जनरली कहाँ पे यूज करते हैं हम यूज करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है करंट को लेकर के या इनपुट वोल्टेज को लेके। अगर इनपुट वोल्टेज में बहुत फ्लक्चुएशन आते हैं तो वी यूज अ स्टेबिलाइजर, आपने वर्ड नाम सुना स्टेबिलाइजर का भी, ज्यादातर गांव वगैरह में यूज होते हैं ये, और या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे जिस डिवाइस को बहुत ही सेंसिटिव करंट चाहिए तो उस जगह पे वी यूज स्टेबिलाइजर। और स्टेबिलाइजर काम होता है राइट क्या स्टेबिलाइजर नहीं स्टेबिलाइजर होता है वो, इट्स अ वोल्टेज रेगुलेटर राइट, और उसका काम होता है क्या, वोल्टेज को कॉन्स्टेंट मेंटेन रखना। इनपुट में कितना भी वेरिएशन होने दो आउटपुट सेम रहेगा, और ये एक ही चीज की मदद से होता है विद द हेल्प ऑफ ज़ीनर डायोड। तो उसमें उसमें भी हम क्या करते हैं उसको पैरेलल कनेक्शन देते हैं। किसको पैरेलल कनेक्शन देते हैं, जैसे मान लो ये फैन है, अभी इस फैन में मेरे को कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, ये मेरा आउटपुट इधर आ रहा है ना इस फैन में, तो आउटपुट अगर इसमें आ रहा है तो मुझे इसमें क्या चाहिए, कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए इसमें। अब कांस्टेंट, अभी इसका खुद का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा राइट ओके, तो इसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसको एक कांस्टेंट वोल्टेज अगर मुझे देना है, और इनपुट कहां से आ रहा है, वो सप्लाई से आ रहा है, तो अभी मैं क्या करूंगा इसमें और सप्लाई के बीच में कनेक्ट कर दूंगा एक स्टेबिलाइजर, ठीक है। अब वो स्टेबिलाइजर क्या करेगा, अगर इनपुट का वोल्टेज कितना भी वेरी हो पर वो आउटपुट में हमेशा क्या देगा, जितना हमने डिजाइन किया है उसके हिसाब से, मैंने डिजाइन किया है मुझे आउटपुट में 10 वोल्ट चाहिए तो 10 ही वोल्ट आएगा, ठीक है। इनपुट में वोल्टेज वेरिएशन होने दो बट आउटपुट विल बी, बट यस उसका जो स्टेबिलाइजिंग होता है वो हर एक डायोड पे डिपेंड होता है राइट, और हर डायोड की कैपेसिटी होती है भाई इतना ही वो वेरिएशन को मेंटेन कर सकता है। लार्ज वोल्टेज दोगे तो डायोड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डायोड हमें यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। सो कुछ ऐसे, तो आपको ये बात याद रखनी है कि कोई भी चीज जब पैरेलली कनेक्ट होती है तो इनके अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल होता है वो एक ही होता है, पैरेलल में जो टोटल पोटेंशियल होता है वो, अब ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हमने क्लास 11 में बहुत बार रिपीट कर रहा है राइट। तो आपको एक बात, अगर पोटेंशियल विल बी कॉन्स्टेंट, वाई, बिकॉज ऑल आर कनेक्टेड टू पैरेलल कॉम्बिनेशन, सब कैसे कनेक्टेड है राइट। तो कोई भी चीज अगर आप पैरेलल में लगा दोगे ना तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमेशा सेम होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा क्या होगा सेम होगा राइट। आप अगर जैसे इनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू भी अलग है फिर भी इनके अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा सेम, द रीजन बिकॉज दे आर इन ओके। सो नाउ अभी इस केस में हमने देखा चार्जेस अलग हैं पर पोटेंशियल क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो जैसे कि हमने बोला लेट क्यू बी दी चार्ज डेवलप अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे हमें ऐसे लिखना था लेट क्यू बी दी सेम चार्ज है ना, लेट क्यू बी दी सेम चार्ज, क्योंकि सब जगह सेम चार्ज डेवलप हो रहा है ना, तो वर्ड यूज करना जरूरी है। और पोटेंशियल तो हमारा डिफरेंट था सब जगह, यहाँ पे क्या सेम होने वाला है, सो पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर, तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है हमारा, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज अब अलग डेवलप होगा राइट, द चार्ज क्यू इज डिफरेंट across all the capacitor, हर capacitor के across charge अभी कैसा है different है, so I can say therefore मेरा जो total voltage होगा battery जो मुझे total voltage दे रही है V, ये V हमेशा क्या होगा equal होगा V1 से, सब equal होने वाले हाँ right, कुछ नहीं है बाबा वो एंटीवायरस है।
ठीक है, सो वी वन वी टू वी थ्री हमारा तो सेम होने वाला है, जितना वी होगा जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही पोटेंशियल। मतलब सर अगर मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी लगाई तो इसके क्रॉस भी 5 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 5 वोल्ट, इसके क्रॉस भी, राइट। दूसरी बात, जो टोटल चार्ज होगा क्यू वो क्या होगा, अब सब जगह क्यू अलग है हमारा, बराबर। अच्छा यहाँ पे क्यू अलग है, यहाँ पे क्यू अलग है, यहाँ पे क्यू अलग है, तो अगर मुझे टोटल चार्ज क्यू चाहिए तो वो लेना पड़ेगा Q1 प्लस Q3। अच्छा कैपेसिटेंस, अभी Q को अगर मैं कैपेसिटेंस के टर्म में लिखूं तो सिंस Q इज रिटन एज C इनटू V, है ना, Q को हम क्या लिखेंगे, तो Q1 क्या हो जाएगा, C1 V1 होगा क्या, नहीं, तो C1 इनटू V, Q2 क्या हो जाएगा, C2 इनटू V, Q3 क्या हो जाएगा, C3 इनटू V, और ये मेरा अगर टोटल कैपेसिटेंस है इन पैरेलल तो ये हो जाएगा क्यूपी और ये हो जाएगा सीपी। व्हाट इज सीपी, टोटल कैपेसिटेंस इन, अच्छा ठीक है। तो अभी मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करता हूं, तो क्यू इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो क्यू को हम लिखेंगे सी इंटू वी, सॉरी सी इंटू वी, तो ये सी पी क्यू लिखा यहाँ पे हमने, बिकॉज दिस इज माई टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल, ये हो जाएगा C1 इंटू वी, ये C2 इंटू वी, और ये इसमें से V कॉमन ले लो, V V कैंसिल हो जाएंगे तो मुझे मिलेगा क्या, तो भाई क्या मिला यहाँ पे, ये हमें जो फॉर्मूला मिल गया, दिस फॉर्मूला इज वेरी मच सिमिलर टू दी जो हमने सीरीज वाला किया था रेजिस्टेंस का, अब खाली इतना याद रखना है। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन दूंगा जो करने में मजा आएगा, ठीक है, फिलहाल के लिए ये समझा टॉपिक कि ये आ कैसे गया, क्योंकि क्या है इसमें आपको एग्जाम में एज इट इज आने वाला है, दे विल आस्क यू डिराइव द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स सीरीज एंड पैरेलल, आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आ गए तो ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी बड़े आसान होने वाले हैं, ठीक है, इतना करके ले लो, फिर आगे करते हैं। Now yes, everyone here. Two questions we have in this questions based on the topic which we did right now, that is combination of capacitors in parallel and पहला question आपको ये दिया है the minimum number of condensers मतलब capacitors, ठीक है, so condenser क्या है, capacitor है, अब minimum मैं कितने capacitor लगाऊंगा, each of capacitors of हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए, 2 माइक्रोफेराड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द कैपेसिटेंस ऑफ, तो मेरे पास है ना कैपेसिटर्स है 2 माइक्रोफेराड वाले, एक कैपेसिटर की वैल्यू है, मैं इन कैपेसिटर्स को किस तरीके से कनेक्ट करूं कि मुझे जो है उस पूरे सिस्टम का, उस पूरे सर्किट का जो टोटल कैपेसिटेंस मिलेगा वो कितना मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड, तो 4 लगेंगे, 5 लगेंगे, 6 लगेंगे या 10 लगेंगे, और हर एक की वैल्यू कितनी होगी, पर उनको लगाना इस तरीके से है कि उनका टोटल कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, बराबर। जैसे वो स्टार्टिंग में हमने बताया था 2 रेजिस्टेंस सीधा लगाया सीरीज में तो कितना मिला, 4 मिला था, पर वही जब हमने पैरल लगा तो कितना मिला। तो अगर किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा होता कि मुझे, मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है, 2 ओम वाले, तो उनको मैं कैसे कनेक्ट करूं कि टोटल रेजिस्टेंस 1 मिलना चाहिए, तो वो अभी तो सीखा ना, तो वैसे अभी इधर पे भी कि कैसे कनेक्ट करूं कि मुझे टोटल कितना मिलना चाहिए। देखो अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये पता है कि अगर मैं इनको सीरीज में लगाऊंगा तो ये 1/C1 होता है ना, सीरीज का फॉर्मूला क्या आता, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये तो कभी भी मुझे नहीं देगा आंसर, ठीक है। पैरेलल लगाऊं अगर मैं इनको तो
तो सी वन प्लस तो टू दो दो तो चार हो रहा है, फिर छ हो रहा है, पांच तो आ नहीं रहा है। तो इसका एक ही मतलब है कि मुझे एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें सीरीज भी होनी चाहिए और बात समझ में आ रही है, ऐसा एक सर्किट डिजाइन करना जिसमें सीरीज भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए। अब सीरीज भी हो पैरेलल भी हो तो हमने क्या किया, मान लो ये दो कैपेसिटर्स हमने ऐसे लगा दिए, इसकी वैल्यू कितनी है टू, इसकी वैल्यू भी टू, और ये एक लगा दिया और एक लगा दिया, इसकी वैल्यू भी कितनी है टू, इसकी वैल्यू कितनी है। अच्छा इन दोनों का टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा खाली ऊपर वाले का, अरे अरे सीरीज में कनेक्ट है तो 1/2 प्लस, अभी भूल गए क्या फॉर्मूला क्या था मेरा सीरीज के लिए, 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C1, C1 मेरा कितना है 2 है, C2 कितना है 2 है, तो 1/2 कितना देगा, मतलब इसका टोटल आ गया 1। अभी देखो अभी ये तीनों पैरेलल है, अभी ये तीनों और पैरेलल में क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस, तो इसका 1 इसका 2 इसका 2, तो 1 + 2 + 2 आ गया ना, ये ओवरऑल 1 हो गया, इसका ओवरऑल कितना हो गया, कैसे हो गया, बिकॉज वो सीरीज में है ठीक है, और ये 2 और ये 2, तो 1 + 2 + 2 विल गिव यू, सो दिस तरीके से आप हो। तो कितने कैपेसिटर लगे बच्चों, तो ऑप्शन इज तो चार कैपेसिटर्स लगेंगे 2 माइक्रोफेराड के टू मेक अ इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आई विल गिव अ टाइम टू राइट, पहले यहां पे ध्यान दो। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करने से मैक्सिमम डाउट सॉल्व होने वाला, जरा ध्यान देना राइट, क्वेश्चन लाने का मतलब यही होता है, सुनो अभी। इन अ गिवन नेटवर्क, एक नेटवर्क दिया आपको, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, बिटवीन पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे मतलब जो मेरा ये वाला कैपेसिटर है इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हाँ तो इसका 2 नहीं है, खाली इसका 2 बोला है। और दूसरी बात, ये दोनों सीरीज में है, मैंने सिखाया था सीरीज में अगर होते हैं तो दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप अलग होता है, चार्ज पर दोनों पे जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज, पर इसका पोटेंशियल 2 नहीं होगा, वो कुछ और होगा ठीक है। और C2 इज 3 टाइम्स ऑफ C1, जो C2 का वैल्यू है वो 3 टाइम्स है C1। अच्छा इसको अगर मैं थोड़ा इजी करने की कोशिश करूं तो मान लो मैंने अगर इसको C मान लिया तो ये 3C हो जाएगा है ना, C1 C2 अगर मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं तो अगर इसको मैंने C मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि C2 क्या बोला गया है, जो C2 है मेरा, C2 क्या है 3 टाइम्स ऑफ, तो 3 टाइम्स ऑफ C1 है राइट, तो C1 तो यही मेरा C1 क्या मेरा भी राइट, इजी करने के लिए उसको C ले लिया हमने, 1 2 नहीं रखते ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन यहां पर भी, ये C1 है और ये C2 है, तो इसको अगर C ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, तो इस मतलब ये इनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है, ये क्या इनकी मतलब इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस 3C है, इसका कैपेसिटेंस C है और इसका, ये समझ में आया क्या, सिर्फ मैंने उनको कैपेसिटेंस अलॉट किए कि किसका कैपेसिटेंस क्या है। ओके अब क्वेश्चन क्या पूछा है, देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये जो ए है और ये बी है, दिखा ये पॉइंट और इनके बीच में जो ये कैपेसिटर आ रहा है, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अच्छा जी तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मुझे ये फाइंड आउट करना है बिटवीन ए एंड बी, तो पहले तो मुझे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए कितना है अगर मैं, अच्छा दूसरी बात मुझे यहाँ पे बैटरी तो दी है पर बैटरी का कुछ वोल्टेज वगैरह नहीं दिया है, कुछ उसका वोल्टेज ज्यादा, तो हम किसी तरीके से फाइंड कर सकते थे C = Q/V वाला फॉर्मूला लगा के बराबर, पर वोल्टेज नहीं दिया तो बिना वोल्टेज के हमें जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक है। क्वेश्चन सबको समझ में आया पहले क्या है, क्वेश्चन क्या था, एक गिवन सर्किट है, उस गिवन सर्किट में चार कैपेसिटर लगे हुए हैं, हमें जो AB वाला सेक्शन है उस सेक्शन में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है, और हमें PQ का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है कितना, हाँ जी। तो अभी
ऐसे सर्किट्स को पहले आप इंडिविजुअली सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। अगर मैं इस सर्किट को मेरे दिमाग में एक डिजाइन बनाऊं इसका सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये सर्किट कुछ मैं ऐसे बनाऊंगा। सी, मेरे को इसका निकालना है ना, इसको मैंने एक सेक्शन रहने दिया और इस पूरे सर्किट को मैं एक मान लेता हूं, पूरे सर्किट को मैं। अच्छा, ये पूरा मेरा जो है ये मेरा हो गया ए, ये हो गया बी, तो ये जो मेरा पूरा सर्किट है वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, वो इन तीनों का, जिसमें दो कनेक्टेड है कैसे, सीरीज में, और इन दोनों से ये कनेक्टेड है। तो पहले इन दोनों सीरीज का कैपेसिटेंस निकालो, फिर इसका कैपेसिटेंस इससे ऐड कर दो, तो आपको ये इसका पूरा का कैपेसिटेंस मिल जाएगा, और फिर ये इससे कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, फिर इसका निकालो, ठीक है। पर इसमें हमें निकालना कैपेसिटेंस नहीं है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, चलो वो भी निकालना बहुत आसान है। तो हम सर्किट्स को यहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे, पहले इंडिविजुअल ये पता करेंगे, ये पता करेंगे। अब मुझे जरा एक बात आप बताना बच्चों, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट का होगा उतना ही इस पॉइंट से इस पॉइंट का होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना। और मैंने बोला था पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। पर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, मुझे सिर्फ इन दोनों पॉइंट का पता है। तो मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब ये वाला जो कैपेसिटर है इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये 2V है तो ये कितना होगा, चलो। सो यहां पे फॉर सेक्शन में लेता हूं किसके लिए, PQ के लिए, किसके लिए, अभी PQ के बीच में जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना है, 3C। PQ के बीच में जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना है, और उस पर पोटेंशियल कितना है, तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा। तो चार्ज का सिंपल फॉर्मूला है जी, तो मेरा जो Q है वो कितना हो जाता है, C इंटू V। अच्छा, C कितना है मेरा, और V कितना है, तो इसका चार्ज हो गया 3 × 6 CV। मतलब इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज है 6 CV, तो इस पे भी कितना होगा, क्यों भाई, दोनों सीरीज में। सो देयरफॉर इन कैपेसिटर्स को 1, 2, 3 जरा दे देते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ये कैपेसिटर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है, थोड़ा नंबरिंग होगा पर समझ में आएगा। तो ये चार्ज हमारा निकाला किसके लिए, हमने फोर्थ वाले कैपेसिटर के लिए, है ना, फोर्थ वाले कैपेसिटर के लिए चार्ज निकाला। तो मेरा जो चार्ज फोर्थ कैपेसिटर पे है वही चार्ज मेरा थर्ड कैपेसिटर पे भी होगा, है ना। तो कितना होगा वो, क्या ये सबको समझ में आया, यस, कितने लोगों को ये नहीं समझा पार्ट। सुनो, कैपेसिटर निकालने का तरीका क्या है, सेम ना, तो सी तो पता है ना कितना है, और वी कितना है, तो बस 6 CV आ गया। तो जितना कैपेसिटर इसका है तो उतना ही इसका भी होगा ना, दोनों सीरीज में। दिमाग बंद करके मत बैठो, थोड़ा खुला करके बैठो, हाँ, तुमको आंसर आगे बोलना है मेरे से। तो ये मुझे Q3 पे भी कितना कैपेसिटेंस मिल गया, अच्छा, इस पे कैपेसिटेंस है 6 CV और इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी है ना, इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी। तो उसका वोल्टेज निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि V क्या होता है, V होता है मेरा Q/C। अच्छा, Q कितना है वहां पे, 6 CV, और कैपेसिटेंस कितना है, C। तो ये CC कट बचा क्या, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है इस और इस पॉइंट के बीच में वो कितना है, चलो वोल्टेज मिल गया, कितना वोल्टेज है, 6 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज तो ऐड होता है ना, तो 6 + 2, तो ऊपर भी कितना वोल्टेज, मतलब ये वाला जो कैपेसिटर कनेक्टेड है इसके अक्रॉस 8 वोल्टेज है। क्या समझा गया सबको, पैरेलली वोल्टेज क्या होता है हमारा, सेम होता है। तो अगर यहां पे 8 है तो ऊपर भी 8 हो गया वोल्टेज, ओके जी। सो ऊपर वोल्टेज 8 है, ठीक है, तो यहां पे वोल्टेज 8 है, यहां पे कैपेसिटेंस 3C है। चलो, अभी मैंने आपको ये सर्किट डायग्राम बताया था, ठीक है, मैंने इसको क्या किया, तीनों को कंबाइन है, मेरे तीनों कंबाइंड है, कौन कौन से कैपेसिटर, सेकंड वाला, थर्ड वाला, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ कंबाइन है, पर जिसमें से सेकंड वाला पैरेलल है 3-4 से, और 3-4 सीरीज में है,
3-4 सीरीज में है और 3-4 से सेकेंड वाला पैरेलल में है। अच्छा, इन दोनों का टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा सीरीज में? तो 1/C + 1/3C है ना। सो मैं लिखता हूं टोटल कैपेसिटेंस फॉर 3 एंड 4 3 एंड 4 मतलब थर्ड कैपेसिटर और फोर्थ कैपेसिटर। तो कैसे लिखोगे? 1/C, इसका कैपेसिटेंस सी है उसका, प्लस 1/3 सी। तो मुझे टोटल कैपेसिटेंस मिलेगा सीरीज में, बराबर यही फॉर्मूला था अभी हमारा। ओके, तो 1/C + 1/3C इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, ऊपर आंसर आएगा तुम्हारा C + 3C / 3C² ये सॉल्व करने आता है ना, 3C × 1 3C, C × 1 C, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बराबर। पर ये मुझे आंसर मिला 1/CS का, इनवर्टेंडो कर दो तो CS कितना हो जाएगा, 3C² / C + ये मेरा होगा टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज नीचे वाले का। अब इन दोनों को देखो, अब इसको मैं एक मान रहा हूं, इसको मैं, ये एक है मेरा। अब इसको और इसको कंपेयर करोगे, दोनों पैरेलल है और दोनों कैपेसिटेंस अब क्या होगा, ऐड होगा। अच्छा, ये C + 3C इसको थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, ये है 3C², ये C + 3C हो जाएगा, तो नीचे से एक C और ऊपर से एक C कैंसिल, तो बचा क्या, 3C/4। तो मतलब नीचे वाले का जो टोटल कैपेसिटेंस मिला है वो मिला है 3C/4 और ऊपर वाले का कैपेसिटेंस कितना है, 3C है। दोनों पैरेलल है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों पैरेलल है तो मैं लिखूंगा देयरफॉर टोटल कैपेसिटेंस फॉर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। सो टोटल कैपेसिटेंस फॉर 2, 3 एंड 4 कैपेसिटर, तो दोनों पैरेलल में है तो ऐड करो, तो सीपी क्या हो जाएगा मेरा, 3C+ ऊपर वाले का 3C, नीचे वाले का टोटल कितना है, 3C/4। अच्छा, दोनों को ऐड करने के लिए बेस सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर नीचे मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो 3 × 4 = 12, ठीक है। तो ये 12C और ये 3C, टोटल हो गया 15C, तो आंसर आ गया 15C/4। ये समझा क्या, ये बेसिक मैथ्स है अभी, ठीक है, ये मैं यहाँ पे बेसिक मैथ्स कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई अभी फिजिक्स नहीं लगा रहे इसी मल्टी, ठीक है। सो मुझे टोटल कैपेसिटेंस कितना मिला पैरेलल में, ओके जी, मतलब ये वाला जो कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस कितना आ गया मुझे, ये समझा क्या, ये नहीं समझा, ये अभी ओवरऑल मेरा एक मान लिया ना उसको मैंने, जिसका वैल्यू इतना आ गया। अब ये इसके साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। अच्छा, ये अगर इसके सीरीज में कनेक्टेड है तो जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज, बराबर। अच्छा, इस पे कितना चार्ज है वो मैं निकाल सकता हूँ क्या, निकाल सकता हूँ, मुझे इसका टोटल कैपेसिटेंस पता है और टोटल वोल्टेज भी तो पता है 8 वोल्ट, तो क्यों कैसे निकालते, C × V, क्या समझ में आया क्या। तो मैं इसको ये रब करके यहाँ पे कर दूं क्या, ये लिखा नहीं अभी तक, रुक जा, हो जाएगा, करता हूँ थोड़ा, इधर ही कचरा करना पड़ेगा। हाँ देखो, अभी सुनो, करेंगे क्या अभी, फॉर, अभी मैं लिखता हूं फॉर, या फिर मैं इस वाले सर्किट की बात करता हूँ अभी, ठीक है, सेकंड सर्किट, ये हमारा फर्स्ट सर्किट था, ये हमने इमेजिन किया हुआ सर्किट है, ठीक है। तो फॉर सेकंड सर्किट, अभी सेकंड सर्किट में दोनों कैसे हैं मेरे, इसका कैपेसिटर है सी, इसका कैपेसिटर है 15C/4 और मुझे पता है ये बी से लेके यहां तक जो टोटल पोटेंशियल है वो कितना है, 8 वोल्ट का है, कितना है, और मुझे इसका पोटेंशियल निकालने बोला है, तो फिर से ऐसे ही वाला केस करोगे ना, इसका पता था इसका निकाला हमने, बराबर। तो यहां पे जितना चार्ज होगा इस वाले कैपेसिटर पे उतना ही चार्ज इस वाले कैपेसिटर पे, तो Q का वैल्यू क्या होता है बोलो, C × V, ठीक है। तो Q मैं निकाल रहा हूं C × V, अभी C कितना है मेरा, और V कितना है, 8V, तो कितना आ गया आंसर, तो 4 × 1 = 4, 2 × 4 = 2, तो ये हो गया 30CV, क्या हो गया, मतलब यहां पे भी Q कितना होगा, तो यहाँ पे जो टोटल Q होगा इस वाले कैपेसिटर पे वो भी होगा 30। अच्छा, इसका कैपेसिटेंस कितना है,
So therefore, the total voltage या potential drop, ठीक है, देखो the total potential difference at AB, किसके लिए at? वो कैसे निकालेंगे? तो formula क्या है मेरा? V is equals to Q by C. अभी बताओ इस पे Q कितना है? 30 CV. और नीचे इसका कैपेसिटेंस कितना है? ये C से C, तो आंसर आ गया. Therefore, the total potential between AB is how much? 30 volt. तो हमें यही फाइंड आउट करने बोला था, ठीक है? So AB के बीच में कितना आ गया हमारा? 30 volt. अब इसमें ऑप्शन भी दे सकते थे, ठीक है? और उसको सॉल्व करते हैं आप. तो आप इसको जो है लिख करके ले लो. आई होप ये क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि पैरेलल सीरीज को सॉल्व कैसे करना होता है. बट ये कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं है, ठीक है? हाँ, मतलब उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कॉम्प्लेक्स हम व्हीटस्टोन ब्रिज में आएंगे. तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम कब करेंगे? जब मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा दूंगा तब, क्योंकि व्हीटस्टोन नेटवर्क इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में, ठीक है? ओके. या सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर. तो एक जो चार्ज कैपेसिटर होता है, अभी हमने पढ़ा कि उसके अंदर हम एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? अब वो एनर्जी कैसे स्टोर हो रही है, ठीक है? सो हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर इन अ चार्ज कैपेसिटर. तो कुछ स्टेटमेंट दे रखा है हमने यहाँ पे. लेट सी बी द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर. तो एक कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस कितना हमने कंसिडर किया? सी. ऑन बींग कनेक्टेड टू अ बैटरी, जो उसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, इट चार्जेस टू अ पोटेंशियल वी फ्रॉम जीरो पोटेंशियल. तो वो जो है कैपेसिटर, वो चार्ज होगा पोटेंशियल वी तक. इफ क्यू इज अ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो उसका जो टोटल चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा? सी इंटू वी. अगर उसका कैपेसिटेंस सी है और उस पर जो पोटेंशियल वी है, तो टोटल चार्ज होगा क्यू इज इक्वल टू सी वी. लेट, अब एक अलग सपोज कर रहे हैं हम, लेट द बैटरी सप्लाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू. अगर मेरे बैटरी ने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई किया, कितना? किसको सप्लाई किया? एट अ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल. एक कॉन्स्टेंट पोटेंशियल पे ये जो स्मॉल चार्ज डी क्यू है, ये सप्लाई किया गया एक कैपेसिटर के पास. देन द करस्पॉन्डिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज गिवन बाय. अब देखो, किसी भी कैपेसिटर को जब चार्ज करते हो तो उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होती है. अब ये जो एनर्जी स्टोर हो रही है, कैसे हो रही है, उसका क्या फॉर्मूला, वो हम डिराइव करने वाले हैं. पर अभी हमारा स्टेटमेंट क्या था कि हमने एक बैटरी से स्मॉल चार्ज डी क्यू एक कैपेसिटर को सप्लाई किया एक कॉन्स्टेंट पोटेंशियल पे, तो उसमें जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होगी, अब वो हम कैसे देंगे? अब छोटा सा चार्ज दिया है, राइट? जब चार्ज छोटा दोगे तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो भी क्या होगी? छोटी होगी. तो आपका जो एनर्जी स्टोर है, आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, U इज इक्वल्स टू, बहुत पहले पढ़ा था, मतलब इसी चैप्टर में, U इज इक्वल्स टू V इनटू, ये रिमेम्बर एवरीवन? एनर्जी का फॉर्मूला, वोल्टेज इनटू चार्ज. अच्छा, U मेरा क्या है? एनर्जी है. अब मैंने कहा कि एनर्जी भी हमारी कैसी होने वाली है? छोटी होगी. तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, डी यू इज इक्वल्स टू वी इंटू, चार्ज छोटा दिया तो एनर्जी भी छोटी हो गई. अच्छा, मैं चाहता हूं कि मुझे टोटल एनर्जी चाहिए, तो मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी क्यू, और लिमिट लगेगा. अच्छा, चार्ज में कहां से कहां स्टोर कर रहा हूं? जीरो से लेकर टोटल चार्ज क्यू तक. मैं चार्ज कहां से कहां स्टोर कर रहा हूं? जीरो से लेकर टोटल चार्ज क्यू तक मुझे चार्ज जो है स्टोर करना है. तो इस केस में डी यू का इंटीग्रेशन लोगे, तो इंटीग्रेशन लेने पे मुझे टोटल एनर्जी देगा, दैट इज यू इक्वल्स टू. अभी यहां पे वी जो है, हमने बोला ना एट अ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल, तो वी कॉन्स्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के आ जाएगा बाहर. अच्छा, वी की वैल्यू कितनी है पहले ये बताओ. अभी ये फॉर्मूले के हिसाब से वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q by C. तो पहले V की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो लिमिट 0 टू Q, और V की जगह पे लिखेंगे हम Q by C into DQ. अच्छा, बाहर कौन आ जाएगा फिर? अब
सी बार आ जाएगा क्योंकि क्यू तो अभी यहाँ पे डी क्यू के साथ वो होने वाला ना इंटीग्रेट, तो सी जो है बाहर आ गया, वन अपॉन सी, अंदर कौन बच जाएगा, जीरो टू क्यू क्यू डी क्यू। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, फॉर्मूला पता है ना सभी को, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स फॉर्मूला क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, अभी यहाँ पे एन की वैल्यू कुछ नहीं तो क्या है वन, तो वन प्लस वन टू और नीचे टू डिवाइड बाय टू, तो इसका आंसर आ जाए तो उसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, क्या आएगा उसका आंसर, तो इसका आंसर आएगा क्यू स्क्वायर बाय टू, क्या आएगा, तो चलिए हम अप्लाई कर दे रहे, तो इसका आंसर आएगा क्यू स्क्वायर बाय टू और इस पे लिमिट लगेगा जीरो टू क्यू, बराबर ये हमने इंटीग्रेट किया उसको, अभी लिमिट अप्लाई करना बाकी है, लिमिट अप्लाई करते हैं अपर लिमिट माइनस, पर लिमिट अप्लाई होगा सिर्फ क्यू पे तो टू भी बाहर आ जाएगा, तो वन अपॉन टू सी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे आप, बचा क्या यहाँ पे क्यू स्क्वायर जीरो से, तो नीचे तो लोअर लिमिट करोगे तो जीरो ही आ जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, पर कर देता हूं मैं, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस एक बार क्यू, एक बार स्मॉल क्यू की जगह कैपिटल क्यू रखोगे, एक बार स्मॉल क्यू की जगह जीरो रखोगे तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही दे देगा, तो आंसर आया आपके पास राइट, तो ये हो जाएगा आपका इज नथिंग, तो आपकी जो एनर्जी आ गई वो आ गई हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, ये आपकी एक एनर्जी हो गई, इतनी एनर्जी क्या हो रही है स्टोर हो रही है। अच्छा इसको अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपको पता है क्यू क्या होता है सी इंटू वी, क्यू क्या होता है, तो अगर मैं क्यू की जगह पे सी भी लिख दूं तो ये ऐसा हो जाएगा हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय सी, ये सी और एक सी कैंसिल, तो यू का एक फॉर्मूला और हो गया हाफ सी वी राइट। आप इसको अलग वे में भी लिख सकते हो, अगर मैं इसको क्यू के टर्म्स में लिख दिया, हमने सी वी के टर्म्स में लिख दिया है, और अगर मैं इसको वी और क्यू के टर्म्स में अगर लिखना चाहता हूं, किसके वी और, तो सी को मैं क्या लिखूंगा क्यू बाई वी, सी को क्या लिखूंगा नीचे से एक वी ऊपर से एक वी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो मतलब इसको लिखने का एक तरीका और हो जाएगा, तो यू इक्वल्स टू हाफ सी की जगह आप लिखोगे q by v into v square, ये v और ये v cancel, तो u is equals to half q v, ये भी एक formula हो गया, ठीक है, तो basically ये q ऐसे किया हमने ताकि अगर आपको q और v सिर्फ दिया है फिर भी आप एनर्जी निकाल सकते हो, आपको अगर सिर्फ q और c दिया है फिर भी आप एनर्जी निकाल सकते हो, c और v दिया है फिर भी आप एनर्जी, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज अगर आप गौर से देखोगे तो आपको उसमें क्या पता चल रहा है, ठीक है जरा ध्यान देना, इस कैपेसिटर को अगर मैं इसका डायग्राम बना दूं, तो ये कैपेसिटर है, इसको हमने कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ, ठीक है, तो बैटरी से यहां से हमारा जो है करंट पास हुआ, मतलब इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, इसको चार्ज किया इसने, तो ये जो कैपेसिटर है जब इसमें हमने करंट पास किया तो यहाँ पे चार्जेस स्टोर हो गए, लेट्स से कैपिटल क्यू टोटल चार्ज हो गया, पर इसकी जो टोटल एनर्जी स्टोर हुई इसके अंदर, ठीक है, वो कितनी है यू है, टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हो गई, ये तो मेरा एक इन जनरल फॉर्मूला था, पर आप सबको पता है कि यहाँ पे ये बैटरी वर्क डन कर रहा है ना एनर्जी स्टोर करने में, बैटरी वर्क डन कर रहा है क्या करने में, अच्छा बैटरी वर्क डन कर रहा है ये वाला, ठीक है ये बैटरी का वर्क डन है, वोल्टेज इनटू चार्ज, जो बैटरी ने चार्ज दिया और जो बैटरी ने वोल्टेज, ये बैटरी का वर्क डन है, और वर्क डन ऑलवेज इक्वल टू दी राइट, तो अगर मैं इसको ऐसे ना, ये तो मैंने इन जनरल फॉर्मूला लिखा था, तो अगर मैं यहां पे बोलता हूं द वर्क डन बाय बैटरी इज W इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, वर्क डन का फॉर्मूला यही है, वर्क डन इज व्हाट, चार्ज इंटू वोल्टेज, ठीक है, ये फॉर्मूला 9 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, 9th में चैप्टर था इलेक्ट्रिकल, उसमें भी ये फॉर्मूला था, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, और V होता है W बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो बैटरी ने इतना वर्क डन किया, तो जितना बैटरी वर्क डन करेगी तो कैपेसिटर में चार्ज भी उतना स्टोर होना चाहिए था, पर आप देखो जरा गौर से इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को, क्या दोनों सेम है,
इधर भी क्यू वी है, इधर भी क्यू, पर इधर एक टर्म आ गया दूसरा, मतलब जितना वर्क डन किया उसका आधा ही एनर्जी स्टोर हुआ। पूछने वाली बात है, जितना वर्क डन किया बैटरी ने उसका आधा ही एनर्जी स्टोर हुआ। ऐसा इसलिए हो गया बच्चों क्योंकि बाकी का एनर्जी हमारा लॉस हो गया, क्या करने में, ट्रांसमिशन में, ठीक है। तो आप यहां पे लिखोगे ओनली द वर्क डन बाय द बैटरी इज दिस मच, सो ओनली हाफ द एनर्जी इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। किस फॉर्म में लॉस हो जाएगा, वो हीट के फॉर्म में, ठीक है। सो ये रहा हमारा एनर्जी स्टोर इन अ चार्ज कैपेसिटर, और ये उसके सारे फॉर्मुलेस, और इसके ऊपर आपको बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आएंगे, डेरिवेशन भी आ सकता है, या फिर एक दो मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, क्लियर है। चलो इसको लिख के ले लो फटाफट। सो नाउ द क्वेश्चन हियर इज, टू क्वेश्चंस यू हैव, एंड पहला क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द स्पीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इफ इट इज चार्ज टू 300 वोल्ट। 300 वोल्ट चार्ज किया एक स्पीयर को जिसका रेडियस है कितना, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है उसमें जो है कितनी एनर्जी हमारी जो है स्टोर हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है एनर्जी का जिसमें पोटेंशियल आ जाए हमारा, और उसमें कुछ चार्ज वगैरह दिया है, एनर्जी स्टोर ही बोला है बस। तो C इज इक्वल्स टू, अच्छा एनर्जी स्टोर चाहिए हमें, तो U इक्वल्स टू क्या लोगे, हाफ तो आने वाला है सभी फॉर्मूले में, तो U इक्वल्स टू हाफ, आप भूल गए लगता है एक कैपेसिटर पे कि हमें निकालना है U, मैं लिखता हूं हाफ सी वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, एक ये फॉर्मूला है कि नहीं, मैंने आपको सिखाया था एक कैपेसिटर है तो एक कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होता है, इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है। मान लो इस कैपेसिटर में मैंने Q चार्ज रख दिया, कितना कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय V। अच्छा मैं कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर मुझे निकालना है, फॉर्मूला देखो लास्ट क्लास कराया था, क्या मिला था, कैपेसिटेंस फॉर अ स्पीयर, सिंपल स्पीयर, क्या मिला था, तो उसका कैपेसिटेंस क्या मिला था, 4πε0। कैसे आया था ये, कैसे आ गया था ये, कैसे निकाला था, क्या किया था फिर इसमें, वी का वैल्यू था याद है, व्हाट इज वैल्यू फॉर वी, 1/4πε0 क्यू बाय आर, तो ये क्यू कैंसिल होगा और ये बचा हुआ वैल्यू ऊपर चला जाएगा, तो कैपेसिटेंस ये मिल जाएगा। तो सी की जगह पे मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ, वी तो दिया हुआ ही है, तो ये हो जाएगा हाफ इन टू, सी की जगह पे पुट कर दो 4πε0, आर कितना है मेरा, ठीक है अभी आर रख देते, इन टू 300 का स्क्वायर, तो दिस बिकम हाफ इन टू, अच्छा ये 4πε0 आपको पता है 1/4πε0 का वैल्यू होता था 9 × 10⁻⁹, ठीक है। अगर ये उल्टा हो जाए, ये वैल्यू ऊपर चली जाए, तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/9 × 10⁻⁹। आर कितना है, 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो, 2 × 10⁻², और 300 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सब सॉल्व कर लो, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 9 ऊपर जाके -9 हो जाएगा, तो ये -9 और -2 हो जाएगा -11,
तो बचेगा 10^-11, नीचे अभी 9 बचा हुआ, बराबर 1/9 नीचे है, 10^-11, और ये 300 का स्क्वायर लोगे आप तो इसको आप कैसे लिखोगे, यू विल राइट एज 300 इंटू, तो आप अगर इसको चाहिए तो यू कैन राइट 3 3 3 9, और ये 10^4 हो जाएगा, बराबर, सो 9 × 10^4, ये 9 और ये 9, ये आ गया कितना, 10^-7, और एनर्जी निकाला है तो इसका यूनिट क्या होगा, तो हो गया सॉल्व, ठीक है। दूसरा आ जाओ, उधर किधर चार्ज क्यूब में दिया, ये एनर्जी स्टोर्ड है ना कैपेसिटर के अंदर, वो निकाला हमने यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ पोटेंशियल ऑफ 20 kV, तो पोटेंशियल है 20,000 वोल्ट है, किलो मतलब 20,000 वोल्ट, कैपेसिटेंस दिया है उसका इतना, इफ एरिया ऑफ प्लेट इज ऑल्सो गिवन एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज हाउ मच, 2 mm, मतलब ये डी दे रखा है, स्मॉल डी है, ये क्या क्या दिया है चलो बताओ, तो आपको वोल्टेज दिया है कितना, 20,000 वोल्ट, और सी दिया हुआ है माइक्रोफेराड है ना, एरिया दिया है कितना, 0.01, और क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है कितना है, 2 mm है, सॉरी, सो 2 × 10^-3 मीटर, ये माइक्रो को भी हटा दिया तो कितना हो जाएगा, ये -6 - 10 हो जाएगा है ना, -10 farad, ठीक है। अब निकालने क्या बोला है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पर यूनिट लॉस इन पोटेंशियल, हमने जैसे पढ़ा है टेम्परेचर ग्रेडियंट, आप यहां पे किसी चीज को हीट करते हो, ये मैंने बताया क्लास में, फिर भी ये ए से बी तक जब हमारा हीट फ्लो होगा तो देर विल बी लॉस इन द हीट एनर्जी पर यूनिट लेंथ, तो लॉस इन हीट पर यूनिट लेंथ इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, लॉस इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज, तो फॉर्मूला क्या बोला, लॉस इन पोटेंशियल पर यूनिट, उसका फॉर्मूला यही बन रहा है ना, वोल्टेज बाय लेंथ, बराबर, तो क्या आएगा अभी इसका, क्या पुट करोगे, क्या वैल्यूज लोगे, बराबर, तो आपका वोल्टेज है कितना डिवाइड बाय डिस्टेंस, क्योंकि अभी आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, बराबर, ये डिस्टेंस डी है, ये देखो यहाँ पे प्लस यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल है, आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाओगे तो जितना डिस्टेंस मूव करोगे उतना आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा ना, तो सिंपल आप फर्स्ट वाला कैलकुलेट करोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट 10^6 तो वी बाय डी करोगे, वी कितना है 20,000, डी कितना है -3, ऊपर जाके हो जाएगा +3, ये 2 × 10^7, ये 10,000 आ गया, ये -3 के जाके +3 हो जाएगा, बराबर, तो 3 0 और आ गए, तो ये हो गया 10^7, ये वोल्ट है, ये डिस्टेंस है, तो वोल्ट पर मीटर, ठीक है। दूसरा क्या निकालना है अभी, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अभी कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था ना हम लोगों ने, कैपेसिटेंस का सिर्फ फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, दो पैरेलल प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाला था ना, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच में, ठीक है। पर अभी यहां पे मुझे निकालने कुछ इसमें से क्या बोला है, मतलब के निकालना है, तो मैं यहाँ पे K का टर्म ऐड कर दो, हमने बोला था ना एयर वैक्यूम के लिए हम K की वैल्यू 1 ले लेते हैं, अगर नहीं है तो कुछ तो K होगा वहां पे, तो K ले लिया, तो बताओ यहां से K का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, सो K हो जाएगा मेरा CD बाय, आपको C पता है, D पता है, A पता है, एप्सिलॉन की वैल्यू भी पता है, कितना एप्सिलॉन का वैल्यू,
8.85 इनटू 10 रेस टू माइनस 12, ठीक है, वो वैल्यू पुट करो, सी मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ कितना आ जाएगा, इसका आंसर समथिंग यू गेट 4.52, कितना आएगा 4.52, सॉल्व करना है इसको, ठीक है, सारा वैल्यूज गिवन है, पुट करके सिर्फ सॉल्व करना है। दूसरा क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड, फिर से तो एनर्जी यू इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, अभी क्यों मैंने ये फॉर्मूला लिया, क्योंकि सी वी पता है बस, तो इसको भी कर दो, तो हाफ इंटू सी कितना है, और फिर वी कितना है, अभी 20,000 का भी स्क्वायर लेना है, ठीक है। सो ये मैं इसको लेता हूं, मैं 4 × 10⁸, 4 × 10⁸, ये टू कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 4 यहाँ पे और 10⁻¹, तो कितना आ गया -2, और एनर्जी है तो जूल, राइट, 4 × 10⁻², राइट। सो दिस इज योर आंसर, राइट, क्लियर। चलो लास्ट अब एक टॉपिक, क्या फिर चैप्टर एंड, यस, सो द टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, अभी करंट के जो टाइप अभी हमें पता है, जैसे वी नो व्हाट इज कन्वेंशनल करंट, व्हाट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, किसी भी एक टाइप में, पर यहाँ पे जो करंट है ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, एंड हाउ दिस डिस्प्लेसमेंट करंट अराइज, इसका थियरी कैसे आ गया, ये जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, सो एवरीवन विल कॉन्सेंट्रेट हियर। सो लेट्स से हमारे पास कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है लाइक दिस, ओके, सो मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इसको हमने जो है कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, इसके साथ एक बैटरी के साथ, इसको हम जो इसको क्या करेंगे, क्या चालू है तुम लोग का, ओके, सो इट्स अ पैरेलल प्लेट, टू पैरेलल प्लेट, और ये दो पैरेलल प्लेट के बीच में कुछ नहीं तो एयर वगैरह होगा, कुछ वैक्यूम होगा, या कोई मीडियम डाइलेक्ट्रिक रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, और यहाँ पे हमने इसे कनेक्ट कर दी बैटरी के साथ, दिस इज प्लस माइनस, और ये एक की है, ये एक बैटरी है, अच्छा अभी इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कोई कैपेसिटर का कोई चार्जिंग वगैरह नहीं हो रहा है। अब होगा क्या, जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा, या की को जैसे हम क्लोज करेंगे, एक करंट यहां से जो है स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से निकलते हुए नेगेटिव की तरफ, तो यहां पे जो करंट हमें मिलता है किसी भी सर्किट के अंदर, उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, दैट इज आईसी, क्या है वो हमारा, तो यहां से भी यह करंट आ गया आईसी, और यहां से भी करंट बाहर निकल रहा है IC. अच्छा, तो प्रॉब्लम यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट का कैसे आ गया वो देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्विच को क्लोज किया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, एंड दैट करंट इज नथिंग बट माय कन्वेंशनल करंट, बट अब जैसे करंट यहाँ पे फ्लो होगा, ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना स्टार्ट होगा, कैपेसिटर इसके एक प्लेट पे पॉजिटिव टर्मिनल आना शुरू हो जाएंगे, और एक प्लेट पे नेगेटिव टर्मिनल्स जो है आना शुरू हो जाएंगे। अब इसका चार्जिंग शुरू हो रहा है, पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होना भी जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होना चालू हो जाएगा। पर आपको क्या लगता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में सेटअप हो रही है, किस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड है, कॉन्स्टेंट है या वेरिंग है, वेरिंग होगी, बराबर, ये कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, तो फिर ये फिक्स हो जाएगी, जब दोनों प्लेट पे चार्ज एक्वायर्ड हो जाएंगे सेम,
तो ये फिक्स हो जाएगा राइट कि उस पर उतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट चार्जिंग के दौरान और डिस्चार्जिंग के दौरान ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये चेंज होती रहेगी. क्यों? क्योंकि इन प्लेट्स पे जो चार्जेस है वो चेंज होते रहेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी. अब यहाँ पे मैं दो जन का नाम लूंगा जरा, और ये एक्सपेरिमेंट को किया किसने है. दिस एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म बाई मैक्सवेल. सो मैक्सवेल वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट हु वर्कड ऑन दिस सच रेडिएशन. ये एक्सपेरिमेंट करने का रीजन भी क्या था वो भी बताता हूँ. सुनो, हमें ये पता है कि किसी भी वायर से अगर हम करंट पास करते हैं तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, बराबर. ओके, तो यहाँ पे हमने देखा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है. बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट करते हैं. फैराडे लॉ क्लास 10 में अगर पढ़ा होगा, इवन यहाँ पे 12th में भी हम करने वाले हैं अभी डिटेल में पूरा. तो मैक्सवेल ने ये कोशिश की करने की, जैसे ये बोला जाता था कि कैपेसिटर के बीच में कोई करंट नहीं होता है. कैपेसिटर के बीच में कोई अच्छा नहीं होता है, ये करंट हमने कैसे बोला कि इसके बीच में कोई करंट ही नहीं है. क्या रीजन है बोलने का? अब बोलने का रीजन ये है, इनके बीच में कोई करंट नहीं है क्योंकि करंट को पास होने के लिए कंडक्टिंग मीडियम चाहिए. क्या चाहिए? पर इसके बीच में क्या होता है? इंसुलेटर ना, डाइलेक्ट्रिक होता है ना इनके बीच में, राइट. और डाइलेक्ट्रिक इनके बीच में है तो ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, बराबर, जिसमें कोई करंट नहीं होगा. पर अगर इसमें कोई करंट नहीं है तो फिर करंट यहां से यहां कैसे जाता है? तो कुछ तो होगा करंट जो उसको आगे जाने में मदद कर रहा है. तो वो जो टाइप का करंट जनरेट हो रहा है उसी को हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं. पर अभी मैं और उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करता हूँ. लेट्स सी, अभी होता क्या है. यहाँ पे दो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैक्सवेल को छोड़ करके, ठीक है, दो साइंटिस्ट जो और थे जिन्होंने एक थियरी दी थी. वो थियरी एक्चुअली पहले यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही थी. देखो कैसी थियरी, अभी वो थियरी आपने पढ़ी नहीं है, आपको पढ़ाया जाएगा दो अलग चैप्टर्स में. एक इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर जब कराऊंगा तो उसके अंदर मैं किरचॉफ्स लॉ पढ़ाने वाला हूँ, और सेकंड एक जो थियरी है दैट इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ दैट विल डू इन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो अलग चैप्टर में, ठीक है. अब दोनों थियरी का पहले मतलब समझो क्या होता है. पहला थियरी था हमारा किरचॉफ्स लॉ का, किसका? किरचॉफ्स लॉ, राइट. अभी जो किरचॉफ्स लॉ है, ये किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स लॉ कभी भी ये बोलता है कि जितना करंट किसी भी एक जंक्शन पे या किसी भी एक नोड पे, जैसे मान लो यहां से करंट आया और करंट यहां से स्प्लिट हो गया, तो जितना करंट यहां से आएगा, तो ये जंक्शन है, तो जितना करंट आएगा उतना ही करंट बाहर भी निकलेगा, भले से आधा आधा निकले पर बाहर उतना ही निकलेगा. तो किरचॉफ्स लॉ का ये कहना था, द करंट विच इज कमिंग एट अ जंक्शन इज इक्वल टू द करंट विच इज गोइंग आउट फ्रॉम द जंक्शन, या नोड भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है. ये तो यहां पे तो लॉ फॉलो नहीं हो रहा है. यहां से करंट कितना आ रहा है, पर क्या इधर से आईसी करंट बाहर निकल रहा है? तो हमने तो देखा यहाँ पे कोई करंट ही नहीं है, हमने देखा यहाँ पे कोई करंट नहीं है, तो मतलब ये लॉ तो फॉलो ही नहीं हो रहा है, बराबर. तो और एक जो दूसरा लॉ था दैट इज एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्क्यूटर लॉ, जिसको हम ऐसे लिखते हैं बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई. इसका कहने का मतलब क्या है? मान लो मेरे पास एक वायर है, यहां से करंट पास हो रहा है, तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. मैंने एक रेडियस आर लिया और उसका एक मैंने लूप बनाया, उसी रेडियस आर का मैंने क्या बनाया, एक लूप. तो मैं ये कहता हूं कि जितना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा उतना ही इस पॉइंट पे भी होगा, उतना ही इस पॉइंट पे भी होगा, उतना ही इस पॉइंट पे, उतना ही इस पॉइंट पे, और उतना ही. क्यों? क्योंकि वो सब सेम डिस्टेंस रेडियस पे है ना, सारा डिस्टेंस रेडियस क्या है, तो हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी. अच्छा, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाए, तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ये भी हम सीखेंगे, अभी ज्यादा टेंशन हो तो. पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे हम, जिसमें B डॉट dl, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, dl इज माय स्मॉल लेंथ, ठीक है. तो इंटीग्रेशन ऑफ ये ऐसे सर्कल क्यों बना दिया इसके ऊपर, वो हमें क्या बताता है कि वो, देखो हम इंटीग्रेशन ज्यादातर एक स्ट्रेट लाइन का करते हैं, बराबर, पर ये एक लूप बन रहा है ना, यहां से स्टार्ट हो रहा है फिर से यहीं पे आके, तो दिस इंप्लाइज कि ये इंटीग्रेशन किसका है, एक लूप का इंटीग्रेशन है. तो अगर वो मैं यहां पे करता हूं, जैसे मान लो
वो मैंने इंटीग्रेट यहाँ पे एक लूप बना दिया, ठीक है। तो आप तो यहाँ पे बता सकते हो भाई यहाँ पे करंट आईसी जा रहा है, कितना करंट जा रहा है आईसी। तो यहाँ पे आप बोलोगे, आप करोगे बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई की जगह क्या लिख दोगे आईसी लिख दोगे और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, बराबर। अच्छा, पर वही चीज अगर आपने मान लो यहाँ पे एक लूप बना दी तो इसके अंदर कोई करंट है क्या? तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो मेरा तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ जीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट जीरो है, और करंट जीरो है तो ये भी टर्म क्या हो जाएगा, मतलब मुझे बी डॉट डी एल क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। मतलब ये लॉ भी फॉलो नहीं हो रहा है, एम्पियर्स लॉ भी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में इस चीज को फिर कैसे स्टडी किया जाए? तो यहां पे बाद में ये देखा गया कि ये जो हमारा मटेरियल है, जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है, राइट, अब इसकी वजह से, अब यहां पे जरा ध्यान देना, अभी हमें देखना क्या है। तो यहां पे मैक्सवेल कहां गए, हाँ, मैक्सवेल ने ये बोला कि यहां पे कोई तो एक करंट है। अब ये कैसे पता चला कि कोई तो एक करंट है? हमने एक ना कंपास लिया, मैग्नेटिक नीडल लिया, क्या लिया, और जब हमने मैग्नेटिक नीडल को, जब हमने मैग्नेटिक नीडल को इसके अंदर रखा, किसके अंदर, दो प्लेट्स के बीच में, वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन कर रहा था, क्या कर रहा था, अरे भाई जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन कैसे कर रहा है? अब क्वेश्चन ये आ गया, क्योंकि यहां पे ये क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो ना, मैग्नेटिक फील्ड जीरो मतलब वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो फिर मैग्नेटिक नीडल कैसे डिफ्लेक्शन कर रहा है? मतलब हमारा जो एजम्पशन था कि इसके अंदर करंट जीरो है वो गलत है। फिर इसका सीधा मतलब यही हो गया ना कि हमारा जो एजम्पशन लिया हमने कि करंट इनसाइड दी टू पैरेलल प्लेट इज जीरो, वो गलत हो गया, क्योंकि अगर इसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे, बिकॉज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल क्रिएट सम करंट इनसाइड इट। फिर ऐसा बोला गया कि इसके अंदर करंट है, और ये जो करंट है, देखो जितना करंट अंदर आ रहा है यहां से तो उतना ही बाहर निकल रहा है, बराबर। अब उतना ही करंट तब बाहर निकल सकता है जब इसके अंदर भी उतना ही करंट हो, बराबर। पर इसके अंदर हमारे पास कोई कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है जो करंट को पास कर सके। तो फिलहाल के लिए मैक्सवेल ने ये बोला कि इसके अंदर किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो करंट होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोला उनको? डिस्प्लेसमेंट करंट। और उनका ये भी स्टेटमेंट था कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है वो इक्वल है कन्वेंशनल करंट से। जो डिस्प्लेसमेंट करंट हो किसके इक्वल है? तो जितना हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है उतना ही हमारा क्या है, कन्वेंशनल करंट भी है, तभी हमें उतना बाहर मिलेगा, वरना उतना बाहर उसमें से नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज से ये जो फॉर्मूला था एम्पियर सर्क्यूटर लॉ, मैक्सवेल ने बोला इस फॉर्मूले को फिर ऐसे होना चाहिए था, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई डी प्लस आई सी। ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, आई डी प्लस। अच्छा, ये फॉर्मूले से ये हो गया क्या, अरे सर इधर तो करंट ज्यादा हो गया, फिर नहीं डबल नहीं हुआ, अगर मैं इसके बाहर हूं तो आई डी जीरो है, तो आई डी तो क्या रहेगा, सिर्फ, और जब मैं इसके अंदर हूं तो आई सी जीरो है, बचा कौन सिर्फ। तो ये इन जनरल फॉर्मूला हो गया, मतलब ये क्या बन गया, एक इन जनरल फॉर्मूला हो गया। तो उन्होंने बोला कि एम्पियर लॉ को फॉर्मूला को जिस तरीके से डिसाइड करना चाहिए था, ठीक है, कि अगर हम किसी भी कैपेसिटर के अंदर होंगे, अच्छा कैपेसिटर के अंदर ही होना जरूरी है क्या, नहीं, अगर मान लो मैं इस एयर में ही हूं, ये भी तो एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, ठीक है, तो अगर इसके अंदर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो तो मैं आईडी लेकर के कर सकता हूं, बराबर, अगर यहां पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो, ओके, सो वी कैन डू विद दिस। तो ये कंक्लूजन जो है निकल करके आ गया कि इस तरीके से हमारा जो है फॉर्मूला होना चाहिए था। तो अभी यहां पे लास्ट कंक्लूजन क्या दिया, सो द कंक्लूजन फॉर दिस एक्सप्रेशन इज दैट वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड, तो ये जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड था किसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये प्रोड्यूस कर सकता है क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है और ये इलेक्ट्रिक करंट भी
और ये जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा उसको हम बोलेंगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अच्छा अभी इसको आपके बुक में कैसा दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में ओपन योर टेक्स्ट बुक, उसमें थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, इसी चीज को अंडरस्टैंड कराया पर थोड़ा सा अलग से कराया है। ओके सी आपके बुक में सारी चीजें सेम ही है ऑलमोस्ट सब हद तक, खाली चेंज इतना है कि उन लोगों ने उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग बताया है। आप देखोगे तो वो लोगों ने एक फॉर्मूला लिया Q इज इक्वल टू ए के एप्सिलॉन नॉट ई, ये याद हमने पहले भी फॉर्मूले को प्रूफ कर चुके हम लोग, पीछे पेज टर्न करोगे तो इक्वेशन नंबर कौन सा है 8.24, देखो पीछे वाले पेज पे ही है वो इक्वेशन, बराबर 8.2423 है, 23 बराबर दिखा, Q इज इक्वल टू ए के एप्सिलॉन नॉट ई, ये हमने किया था लास्ट क्लास। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, ए के एप्सिलॉन नॉट ई बराबर। अभी यहां पे बोला गया कि इस वाले इक्वेशन को जो है आप डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो, आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हो जाएगा dq by dt equals to a k, सब कांस्टेंट है, k की वैल्यू अगर मैं 1 मान लिया तो वो भी हट जाएगा, बचेगा एप्सिलॉन नॉट d by, अच्छा व्हाट दिस रिप्रेजेंट, चेंज इन चार्ज पर यूनिट चेंज इन टाइम, अरे ये तो मुझे करंट दे देगा ना, i is equal to q by t, अरे कौन सा करंट देगा, कन्वेंशनल करंट, क्योंकि ये मेरा कन्वेंशनल चार्ज फ्लो हो रहा है यहां से, और a epsilon naught, अब ये d by dt है, what is d by dt, it is nothing but my variable electric field ना, electric field with respect to time change हो रहा है, dt मतलब क्या, change in electric field with respect to time t, बराबर, ये मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे क्या देगा यहाँ पे, id दे देगा, तो ये term अगर constant, तो I can say my ic is equals to, मतलब हमने जो यहाँ पे बोला था वही चीज यहाँ पे उन लोगों ने इक्वेशन से बोल दी, बराबर, पर बाकी ये सब उन लोगों ने नहीं बोला है सबके बारे में कि कैसे हो रहा था। ठीक है, तो दोनों समझ गया बुक का भी और क्या है इसमें। ठीक है, दैट्स इट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट करंट विच इज इन द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लाइक इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब इसका एक टॉपिक है आपका बचा हुआ, दैट इज वेंडी ग्राफ जनरेटर, दैट विल डू आराम से। सो बाय द वे योर चैप्टर इज ओवर हियर, राइट, पढ़ना शुरू कर दो टेस्ट के लिए, हाँ लेट्स सी कभी होता है, चलो।